हेलो एवरीवन, हम ट्वेल्थ हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर की फिफ्थ वीडियो है। पहले फोर्थ पार्ट्स में हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में टोटली रीड आउट कर चुके हैं कि कहाँ से उसकी बिगनिंग्स हुई, किस तरह से वो लोग अपना निर्वाह करते थे, किस तरह से अपने घरों को बनाते थे, कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन बनाते थे, मटेरियल्स को कहाँ से लेकर आते थे और अथॉरिटी किसके हाथों में होती थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम रीड आउट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट ने हरप्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को कैसे स्टार्ट किया। अभी तक जितने भी फैक्ट्स को हमने देखा, अभी उन फैक्ट्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम ये तो समझ चुके हैं कि हिस्टोरियंस को जो भी मटेरियल यहाँ पर मिला, उन सभी मटेरियल्स को इकट्ठा करके वो हमारे सामने एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री को लेकर आए हैं, यानी कि एक बहुत पुरानी हिस्ट्री, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताया है। अब दूसरी स्टोरी यहाँ पर क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर्ड किया। व्हेन हरप्पन सिटीज़ फेल इन टू रून, और जब हरप्पन सिटीज़ बर्बाद हो चुकी थी तो लोगों ने धीरे धीरे, लोग जो है उसके बारे में भूल चुके थे, लेकिन लाखों वर्ष बाद जब उन्हीं प्लेसेस पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया या अपने खेतों के लिए हल चलाना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें धरती से नीचे, उनकी खुदाई के टाइम पर नीचे से निकली। स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें क्यों निकल रही हैं, इनका क्या मीनिंग है, क्योंकि कोई भी इन सब के बारे में नहीं जानता था। बट जब इनके बारे में धीरे धीरे खोजा गया तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये जो है हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। कनिंघम्स कन्फ्यूजन, कौन थे कनिंघम? द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI, ASI मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने अपनी आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस जो है मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट कर दी थी। आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए क्या प्रीफर करते थे? वो लोग रिटर्न रिकॉर्ड्स को प्रीफर करते थे। रिटर्न रिकॉर्ड्स में जैसे टेक्स्ट हैं, जो बुक्स मिली हैं या फिर इंस्क्रिप्शंस मिला है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम मुगल वर्ड्स के बारे में बात करें तो उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे अकबरनामा, बादशाहनामा और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, तो उन बुक्स और इंस्क्रिप्शंस से उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो सभी हिस्टोरियंस यही करते थे कि वो पुरानी हिस्ट्रीज़ को जानने के लिए रिटर्न रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। कनिंघम ने भी 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को जानने के लिए वो रिटर्न रिकॉर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड थे। और उन्होंने कौन से रिटर्न रिकॉर्ड्स को यूज़ किया था? चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, यानी कि जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट तीर्थ यात्री हमारी कंट्री में आए, उन्होंने यहाँ पर यात्राएँ की और फिर हमारी कंट्री के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, उन्हीं के ऊपर जो है कनिंघम के सारे सर्वे डिपेंड करते थे। ओके, सो हरप्पा की जब पहली सील को डिस्कवर किया गया और उसको कनिंघम के पास भेजा गया, तो कनिंघम ये नहीं समझ पाए कि ये कौन से प्लेस पर है और कौन से प्लेस पर थी और कौन से टाइम पीरियड की थी, क्योंकि चाइनीज़ डॉक्यूमेंट्स में इस ऐसी सील्स के बारे में या हरप्पा जैसे प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। सो, वो जो है हरप्पन सील्स की इम्पॉर्टेंस को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि सभी आर्कियोलॉजिस्ट की तरह उनका भी क्या मानना था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से? गंगा वैली की सिटीज से डिस्कवर स्टार्ट हुई है। सभी आर्कियोलॉजिस्ट जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन हिस्ट्री है बिगिन विद द फर्स्ट सिटी इन द गंगा वैली। इंडियन हिस्ट्री गंगा वैली की पहली सिटी के साथ ही स्टार्ट हुई थी, रिटर्न रिकॉर्ड्स में यही लिखा हुआ है। सो, अगर कनिंघम इस सील के बारे में नहीं समझ पाए या इम्पॉर्टेंस को नहीं समझ पाए, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इसके बारे में पहले उन्होंने इसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा था। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक ओल्ड सिविलाइजेशन की नई डिस्कवरी के बारे में। दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, उन्हें जो है 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड्स में, अर्ली डिकेड्स में हरप्पा से एक सील मिली और वैसी ही सेम सील
रखाल दास बनर्जी को, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, अनदर आर्कियोलॉजिस्ट रखाल दास बनर्जी को वैसे ही सेम सील मोहनजोदारो से भी मिले। सो जब इन दोनों सील्स को देखा गया तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये दोनों प्लेसेस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। फिर 1924 में जॉन मार्शल, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे कनिंघम के बाद, एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि एक इंडिया में एक नई नई सिविलाइजेशन को खोजा गया है, और उस सिविलाइजेशन का उन्होंने नेम भी दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हम सभी जानते हैं क्योंकि ये इंडस वैली के चारों तरफ फैला हुआ एरिया था, इसीलिए इसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेम दिया गया है। उसके बाद एस एन रॉय, जो कि एक वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, इन्होंने अपनी एक बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में मोहनजोदारो और हरप्पन की साइट्स के बारे में लिखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा। इसके बाद वर्ल्ड को पता चला कि मेसोपोटामिया के कॉन्टेम्प्रेरी एक और सिविलाइजेशन थी, और वो थी हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, इनफैक्ट जॉन मार्शल स्टिंग, द जनरल डायरेक्टर ऑफ द एएसआई, मार्क द मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। जो जॉन मार्शल थे, जो डायरेक्टर जनरल ही थे एएसआई के, वो इंडियन आर्कियोलॉजी में एक मेजर चेंज लेकर आए। वो पहले ऐसे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया, और अपने साथ वो ग्रीक और क्रीट के एक्सपीरियंस भी अपने साथ लेकर आए थे। और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इन सभी चीज़ों की डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया। कनिंघम जैसे हिस्ट्री को जानने में इच्छुक थे, उसी तरह से जॉन मार्शल भी हिस्ट्री को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन कनिंघम क्या करते थे, वो पुरानी हिस्ट्री को जानते थे, रिटन रिकॉर्ड्स की उससे, और वो मीन्स कल्चर को जानने की ज़्यादा कोशिश करते थे। लेकिन जॉन मार्शल एवरीडे लाइफ के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड थे, कि लोग अपने दैनिक जीवन, अपना डेली का जो जीवन होता था, वो किस तरह से निर्वाह करते थे। उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया था। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, नई टेक्निक्स अपनाएगी डिस्कवरी के बारे में, और उसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी अराउज हुए। आर ई एम विलर, आफ्टर ही टुक ओवर ए डायरेक्टर जनरल ऑफ ए एस आई इन 1944, 1944 में डायरेक्टर ए एस आई के डायरेक्टर जनरल बनने के बाद उनके सामने एक नई प्रॉब्लम सामने आई, और उन्होंने क्या रिकग्नाइज किया कि जो ये यूनिफॉर्म है हॉरिजेंटल लाइंस पर हम एग्जर्वेशन करते हैं, इसके बजाय हमें माउंट्स पर एग्जर्वेट करना चाहिए। कि जो ये बड़े बड़े टीले हैं, उन टीलों को क्या करना चाहिए, एग्जर्वेट करना चाहिए, उनसे खोजों को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, और अपने साथ मिलिट्री प्रिसिशंस की टेक्निक्स अपने साथ लेकर आए थे। प्रिसिशंस क्या होता है, पूरी तरह से मतलब क्लियर स्मूथ हर एक चीज़ का चलना। सो मिलिट्री में सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं, सेम तरीके से उसने यहाँ पर हिस्ट्री डिस्कवरीज के बारे में भी सेम वही चीज़ें अपनाना शुरू कर दिया था। सो उन्होंने माउंट से क्या करना शुरू किया था, डिस्कवरी को करना शुरू कर दिया था। अब 1947 में जो हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ, उसकी वजह से हरप्पा और मोहनजोदारो दोनों ही साइट्स पाकिस्तान में चली गई थी। अब धीरे धीरे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने नई साइट्स को खोजना शुरू किया। कच्छ में पहली साइट को खोजा किया गया, उसके बाद हरियाणा और पंजाब में कालीबंगम, लौथल, राखीगढ़ी, और रिसेंटली धोलावीरा को भी खोजा गया था। अब इन खोजों के साथ साथ नए इश्यूज भी सामने आ रहे थे, नए क्वेश्चंस भी सामने आ रहे थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो क्या क्वेश्चन थे, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन के कल्चर को समझने की कोशिश की, कुछ ने ये समझने की कोशिश की कि यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स कैसे बनाया जाता था, कुछ नहीं यहाँ की इकोनॉमिक लाइफ को समझने की कोशिश की। तो जब इन चीज़ों को समझने की कोशिश की गई, तो इनके बारे में नए नए क्वेश्चंस भी अराउज होना शुरू हो गए थे। 1980 तक सभी जो इंटरनेशनली लेवल पर हरप्पन आर्कियोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट बढ़ना लोगों का शुरू हो गया था, यानी कि अब लोगों ने जो स्पेशलिस्ट थे सब कॉन्टिनेंट्स और अब्रॉड, दोनों ने मिलकर ही हरप्पा और मोहनजोदारो की खोज के बारे में काम करना शुरू किया गया। नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ किया गया, और जो ये क्ले, स्टोन और मेटल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, रिमेन्स हैं, इनको माइन्यूटली एनालाइज किया गया, और इनके बारे में हर एक चीज़ जानने की कोशिश की गई। और एक्सेप्ट
एक्सप्लोरेशंस प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर. और ये जो एक्सप्लोरेशंस हैं, ये जो एक्सप्लोर किया गया है, ये हमें फ्यूचर में बेटर रिजल्ट का हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में हमें इसके और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे. फ्यूचर में हम जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा चीज़ों को जान पाएंगे. प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. अब पास्ट को इकट्ठा करने की प्रॉब्लम्स क्या हिस्टोरियंस के सामने आई. एज वी सीन इट इज़ नॉट द हरप्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एनिशियंट सिविलाइजेशन. जैसा कि हम देख चुके हैं कि हरप्पन स्क्रिप्ट ने हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है इस सिविलाइजेशन को समझने में, क्योंकि आज तक भी वो स्क्रिप्ट्स जो है अनडिसिफर्ड है. मे बी अगर उस स्क्रिप्ट्स को पढ़ा जाता तो हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत जल्दी समझ पाते और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में जान पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अशोक का ही एग्ज़ाम्पल लें, उसकी इंस्क्रिप्शंस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे उसके राज्य में लोग रहते थे, कैसे वो मंदिरों का निर्माण करवाता था, मतलब हर एक चीज़ जो भी वो नहीं करता था अपनी इंस्क्रिप्शंस पर लिख देता था. अब उसके स्क्रिप्ट्स को समझा जा चुका है और उसके बारे में हम सब कुछ जान भी चुके हैं. सो सेम यही होता, अगर हरप्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स को समझा जाता तो हम इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जान पाते. लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को किन चीज़ों से इनके बारे में पता चला है, जो यहाँ पर पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, स्टोन्स, ब्रंट क्ले और मेटल मिला है, इन सब चीज़ों से ही हरप्पन इस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश की है. कुछ चीज़ें जैसे कि क्लॉथ है, लेदर है, वुड है, ये क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं टाइम के साथ साथ. सो इनसे हमें कुछ भी नहीं पता चला है. मीन्स अगर क्लॉथ्स वहाँ पर मिलते तो हमें पता चल जाता कि वो लोग किस तरह की ड्रेसेस को पहनते थे. ओके, सो यहाँ पर पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी. क्लासिफाइंग फाइंड्स. अब जो चीज़ें खोजी गई, जैसे पॉटरी खोजी गई, आर्टिफैक्ट्स खोजे गए, क्राफ्ट्स खोजे गए, बीड्स खोजी गई और क्ले खोजी गई, जितनी भी चीज़ें खोजी गई, अब इनको क्लासिफाई करना भी था. उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको टू क्लासिफिकेशंस की दी हैं. पहली जो है वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल के टर्म्स में पहली सिंपल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि जो भी मटेरियल यहाँ पर मिला, क्ले है, मेटल है, बोन है, आइवरी है. सेकंड जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इनका यूज़ क्या होता था, ये टूल्स थे या फिर ऑर्नामेंट्स थे या फिर दोनों थे या फिर इनका रिचुअल यूज़ होता था, ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. सो इस तरह से क्लासिफाई आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों को किया है. जो ये आर्टिफैक्ट्स हैं इनके फंक्शंस को समझने के लिए प्रेजेंट डे के साथ ही इनको रिजेंबल किया है कि भाई जैसे बीड्स हैं, बीड्स का यूज़ आजकल हम किस लिए करते हैं, गार्लेंड्स को बनाने के लिए करते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सेम उसी तरह से रिजेंबल किया है कि जिस तरह से आज हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मे बी पास्ट में भी इनका यूज़ ऐसे ही किया जाता होगा. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाई इन्वेस्टिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे इट वॉज फाउंड. आर्कियोलॉजिस्ट ने इन आर्टिफैक्ट्स के फंक्शंस को एक दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश की है कि जिस जगह पर वो मिले हैं, अगर वो घर में मिले हैं, ड्रेन में मिले हैं, ग्रेव में मिले हैं, भट्टे में मिले हैं, किल में मिले हैं, कहाँ पर वो मिले हैं, सो उसी तरह से उसका यूज़ किया जाता होगा. इस तरह से भी उनके यूज़ को समझने की कोशिश की है. कई बार आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस को लिखते हैं, जैसे कि हरप्पन साइट्स में बहुत सारे कॉटन ट्रेसेस मिले हैं लेकिन वहाँ पर क्लॉथ्स नहीं मिले हैं. बट क्लॉथ्स किस तरह के होते होंगे इसको समझने के लिए स्कल्पचर्स का यूज़ किया गया है, क्योंकि स्कल्पचर्स पर जिस टाइप के कपड़े पहनाए गए हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यही समझा है कि शायद उस टाइम के लोग इसी टाइप के कपड़ों को पहनते होंगे. सो यहाँ पर इनडायरेक्ट एविडेंस लिया गया है कि भाई हाँ, कॉटन मिलने से हमें ये नहीं पता चलता कि उनके वे ऑफ ड्रेसिंग क्या था, किस तरह से ड्रेसिंग सेंस उनकी होती थी. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड फ्रेम रेफरेंस को भी डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हरप्पन सील जब पहली बार खोजी गई तो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसका क्या यूज़ होता था उसके बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक कि दूसरी ही ऐसी सील मोहनजोदारो में नहीं खोज ली गई, या फिर जब तक उस वो जो क्ले जिसके ऊपर सील्स लगाई जाती थी वो नहीं मिली, तब तक
आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता चला था कि इन सील्स का यूज़ कैसे होता था। सो इस तरह से फ्रेम को भी वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे कि भाई हाँ शायद इसलिए यूज़ होता होगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस में क्या 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 प्रॉब्लम्स आई हैं? मेन जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आई हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझने के लिए। दूसरी चीज़ों को तो हमने क्या कर लिया है कि जो प्रेजेंट डे में उनका यूज़ होता है उसी तरह से यूज़ पास्ट में भी होता होगा, इस तरह से अजम्पशन करके समझ लिया है। लेकिन रिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे होती थी वहाँ पर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे होती थी, इस तरह इन चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो अनयूजुअल और अनफेमिलियर दिखाई देती हैं। तो क्या उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस इम्पॉर्टेंस थी? जैसे कि ये टेराकोटा का एक फिगर मिला है, ये एक वुमेन का फिगर है जिसको हाईली जेवल्ड किया गया है, और इसकी जो ड्रेसअप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छी ड्रेसअप किया गया है, उसके सिर पर एक क्राउन रखा गया है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एज अ मदर गोडेस रिगार्ड किया है, क्योंकि जो कॉमन वुमेन होती हैं वो अपने सिर पर क्राउन नहीं रख सकती हैं। मे बी ज्वेलरी डाल सकती हैं वो इतनी, लेकिन सिर पर क्राउन रखना एक कॉमन वुमेन वो एक प्रैक्टिस में नहीं होता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको क्या माना है? मदर गोडेस माना है। सेम वैसा ही जो एक स्कल्पचर मिला है प्रिस्ट किंग का, लेकिन मोहनजोदारो में तो प्रिस्ट किंग का स्कल्पचर मिला है बट दूसरी साइट्स में ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं मिला है, तो ये नहीं समझ में आया है कि इसका यूज़ किस तरह से होता था, ये कोई इसको पूजा जाता था या फिर ये सिर्फ प्रिस्ट होते थे या फिर किंग होते थे। तो इन चीज़ों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जो ग्रेट बाथ्स मिले हैं उनका क्या यूज़ होता था ये भी नहीं समझ में आया है अभी तक भी। ओके सो जो यहाँ पर सील्स मिली हैं, कुछ सील्स पर यहाँ क्या मिले हैं, सम सील्स विद सीम टू डेपिक्ट रिचुअल सीन्स, अदर्स विद प्लांट मोटिव्स। कुछ सील्स पर यहाँ पर प्लांट्स के मोटिव्स, प्लांट्स की पिक्चर मिली हैं, जिससे ये इंडिकेशन होती है कि हाँ ये लोग नेचर को भी पूजते थे। कई पर एनिमल्स की पिक्चर मिली है, जैसे कि वन ऑन एनिमल, जो हमने स्टार्टिंग वाली सबसे पहली वाली सील देखी थी जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट में ही, वन ऑन। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं, एक इमेजिनरी एनिमल्स ही दिखाई देते हैं। कुछ सील्स ऐसे मिली हैं जिन पर एक इंसान जो है योगिक पोस्चर्स में मिले हैं, उन्होंने अपनी लेग को क्रॉस किया हुआ है और योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। सो इसको जो है हिस्टोरियंस ने प्रोटो शिवा का नेम दिया है कि भाई हाँ ये शिवा है। लेकिन अगर इसी सील को हम ध्यान से देखें तो इसके चारों तरफ एनिमल्स भी मिले हैं। तो हिस्टोरियंस ने पास्ट के साथ रिकंस्ट्रक्ट किया है कि भाई जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें शिव के लिए रुद्रा वर्ड का यूज़ किया है, तो हिस्टोरियंस ने इसको रुद्रा भी कहा है। लेकिन कहीं पर भी शिव के लिए ऐसे किसी पिक्चर को यूज़ नहीं किया गया है जिसमें वो यौगिक मुद्रा में बैठे हुए हों या फिर उसके चारों तरफ एनिमल्स हों। सो ये क्या हो सकता है, किस चीज़ की सील हो सकता है? मे भी हो सकती है कि जैसे हमारे बहुत सारे स्कॉलर सजेस्ट करते हैं, ये एक शमन हो सकता है। शमन क्या होता था? जादूगर, यानी कि जो मंत्रों को बोलकर जादू करते हैं वो हो सकता है। सो यहाँ पर इस तरह से ये जो सील्स मिली हैं या स्कल्पचर्स मिले हैं, इनको रिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे होती थी उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है आर्कियोलॉजिस्ट के सामने। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत सारे डिकेड्स की जो डिस्कवरी की गई है, आर्कियोलॉजिस्ट वर्क किया गया है, उसके बाद हमें क्या अचीव हुआ है, क्या क्या अचीव हुआ है, हमें एक फेयर आइडिया मिला है हरप्पन इकोनॉमी के बारे में, हमें वहाँ के सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी कुछ कुछ पता चला है। लेकिन अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनके पूरी तरह से सिविलाइजेशन में किन किन रिचुअल्स को यूज़ किया जाता था। मे बी अगर हम वहाँ के स्क्रिप्ट्स को पढ़ पाते तो हो सकता है कि यहाँ की लैंग्वेज के बारे में हम जान पाते, ये जान पाते कि यहाँ पर लिटरेरी कितनी थी और किस तरह से लोग अपने प्रैक्टिसेस किया करते थे। ओके बहुत सारे अभी भी ऐसे क्वेश्चन हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो हमारे माइंड में है, या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट जिनको सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि जो ग्रेट बाथ मिले हैं वो उनका यूज़ किस लिए होता था, क्या वो एक रिचुअल स्ट्रक्चर थे, वहाँ पर लिटरेरी कितनी फैली हुई थी, हरप्पन जो वहाँ पर बैरियल्स मिले हैं, ग्रेव्स जो मिले हैं, उनसे बहुत कम सोशल डिफरेंसेस का पता चलता है, ज़्यादा नहीं पता चलता है। सो जेंडर के बारे में भी जो क्वेश्चन है वो अभी भी अनएंसर्ड हैं, जैसे कि
विमेन पॉटरी को साथ में बनाती भी थी, या फिर आज के डे पर जिस तरह से यूज़ किया जाता है कि भाई हाँ वो सिर्फ पॉटरी को पेंट करती हैं, सिर्फ उतना ही काम करती थी, विमेन किस तरह के कोई काम करती थी, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे लिए अनएंसर्ड हैं। मे बी उनकी स्क्रिप्ट्स को पढ़ा जाता तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास होते, लेकिन फिर भी हमारे हिस्टोरियंस इनको इन्वेस्टिगेशंस पर लगे हुए हैं और एक अच्छी रिजल्ट की फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि भाई हाँ शायद हमारे सामने एक अच्छा रिजल्ट होगा फ्यूचर में। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। प्लीज़ टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपलोड्स। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।